हम एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक को डिस्कस करेंगे, लूज वजाइना को टाइट कैसे करें, या चाइल्ड बर्थ के बाद जब वजाइना लूज हो जाती है तो उसको टाइट कैसे करना है, या उम्र बढ़ने की वजह से वजाइना लूज हो जाती है उसको टाइट कैसे करना है, चाइल्ड बर्थ के बाद भी वजाइना लूज हो जाती है उसको टाइट करना है, सारे क्वेश्चन का रिप्लाई आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों, मैं डॉक्टर कपूर, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड सीनियर सेक्सोलॉजिस्ट। मैं यूटीआई का ट्रीटमेंट करता हूँ, आईबीएस का ट्रीटमेंट करता हूँ, जीपीएच का ट्रीटमेंट करता हूँ, लूज वजाइना का ट्रीटमेंट करता हूँ, ब्रेस्ट साइज को बढ़ाने की मेडिसिन देता हूँ, मेंस्ट्रुअल इश्यूज का ट्रीटमेंट करता हूँ, वजाइना इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करता हूँ, और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट हम करते हैं। आप हमारी एक्सपर्टीज जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को दबाइए, आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन खुल जाएगी। अदरवाइज यू कैन गो टू अवर वेबसाइट, आप हमारी वेबसाइट पर जाके भी सारी डिटेल जानकारी ले सकते। आइए शुरू करते हैं। वजाइना लूज होने के कारण ना तो मेल को मजा आता है, ना ही फीमेल को मजा आता है, दोनों को मजा आना बंद सा हो जाता है। वजाइना को टाइट करने के बारे में पहले मैं आपको चार एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊंगा, और बाद में आपको एक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको पूरी जानकारी मिल सकेगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मैं ये चाहूंगा कि अगर आप भी अपनी वाइफ या अपने सेक्स पार्टनर की वजाइना को टाइट करना चाहते हो, या आप अपनी खुद की वजाइना को टाइट करना चाहती हैं, आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए और अपनी वजाइना को कंप्लीटली टाइट कर पाए। सबसे पहली एक्सरसाइज, आपने यूरिन करते करते बीच में 2-3 बार रोकना है। जब भी आप यूरिन पास करती हो, आप कुछ टाइम यूरिन पास करने के बाद एकदम से रोक लो, उसके बाद फिर 1-2 मिनट के बाद रुके रहिए, और उसके बाद फिर आप यूरिन पास करना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसे ही कुछ देर यूरिन पास करने के बाद फिर आप रुक जाओ, ऐसे ही दोबारा स्टार्ट करो, ऐसे ही फिर रुक जाओ, ऐसे ही दोबारा स्टार्ट करो। मतलब ये हुआ कि एक बार यूरिन पास करने की प्रोसेस में आपने 2 बार या 3 बार रुकना है और यूरिन को स्टार्ट करना है। इससे आपका पेल्विक फ्लोर मसल टाइट होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और आपकी वजाइना टाइट होगी। दूसरी एक्सरसाइज में आपने एक पोजीशन में कुछ टाइम के लिए, कम से कम 20, 30 या 40 सेकंड के लिए आपने खड़े होना है, और फिर आपने सीधे हो जाना है, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है। ऐसे ही आपने बार बार करना है, और कम से कम दिन में 2 या 3 बार करना है, और एक बार में आपने 10 रेपिटेशंस देनी है। तीसरी एक्सरसाइज में आपने कीगल्स एक्सरसाइज करनी है, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। आपने पेल्विक मसल्स को, अपने बैक को ऊपर उठाना है और 30 तक गिनने तक ऊपर ही उठाए रखना है, और यही प्रोसेस आपने सुबह 10 बार करनी है, दोपहर को भी करनी है और शाम को भी करनी है। और चौथी एक्सरसाइज में आपने नीचे फर्श के ऊपर मैट बिछा के सीधे लेट जाना है, और अपनी टांगों को सीधा एकदम से परपेंडिकुलर बिना बेंड किए हुए सीधे ऊपर को उठाना है, और आपके पैर ऊपर छत की तरफ हो जाना चाहिए या आसमान की तरफ हो जाने चाहिए, और आपके घुटने सीधे रहने चाहिए, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। इस पोजीशन में आपने धीरे धीरे ऊपर को जाना है, फिर धीरे धीरे नीचे को आना है, फिर 10-20 सेकंड के बाद फिर आपने धीरे धीरे ऊपर जाना है, फिर धीरे धीरे नीचे आना है। ऐसी ही आपने रेपिटेशन 10 बार सुबह करनी है, 10 बार दोपहर को करनी है, और 10 बार शाम को करनी है। अगर आप यही मेरी बताई हुई 4 एक्सरसाइजेज रेगुलरली कर लेते हो, तो आप देखोगे 2 या 3 महीने में आपकी वजाइना टाइट होने लगेगी या टाइट हो जाएगी। तो कुछ 2-4-6 महीने के बाद आपकी वजाइना उस पोजीशन में आ जाएगी जैसा कि आपकी 18, 20 या 25 साल की उम्र में थी। और फिर भी अगर आप इसको फास्ट इंप्रूव करना चाहते हो, तो हम मेडिसिन बनाते हैं, आप हमारे से मेडिसिन कोरियर से मंगवा सकते हो, उसको आप सुबह शाम यूज करिए, उसको आपने वजाइना में रखना है, आपके वजाइनल मसल्स टाइट हो जाएंगे, और फिर आप अपनी जिंदगी को एंजॉय कर पाओगे, आपको भी मजा आएगा और आपके पार्टनर को भी मजा आने लगेगा। और यहाँ पे मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि मेडिसिन यूज करने के बाद आपने एक्सरसाइजेस को नहीं छोड़ना, एक्सरसाइजेस आपने रेगुलर करते रहना है, ताकि आपने वजाइनल मसल्स हमेशा हमेशा के लिए स्ट्रांग रहे, हमेशा हमेशा के लिए टाइट रहे, और डिलीवरीज के बाद या बच्चा पैदा होने के बाद भी आपके मसल स्ट्रांग रहे, तो आप इन एक्सरसाइजेस को एक अपनी लाइफ का रेगुलर पार्ट बना लीजिए, और आप अपनी सेक्स लाइफ को बेहतर तरीके से एंजॉय करती रहे, और आपका पार्टनर भी आपके साथ फुल एंजॉयमेंट देता रहे। थैंक यू वेरी मच।